अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप तमाम भी खैरियत से होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देखते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज मैं एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी मेरे स्टाइल से, पाकिस्तानी फिरनी, और इसको जिगर ठंडा भी कहते हैं। इसके लिए चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1 पॉकेट चाइना ग्रास, ऑलरेडी मैं आधे घंटे पहले भिगोकर रख दी थी। इसके लिए 250 ग्राम खोया, बादाम ग्रेटेड किया हुआ 50 ग्राम, और इसके लिए कलर ग्रीन कलर। और दूध अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें हम 300 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। हम इस चाइना ग्रास को भी अच्छी तरह मेल्ट कर लेते हैं। ग्रास मेल्ट हो गया, इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, 50 ग्राम शुगर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन कलर। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इस खोया को मिल्क डाल के इसी तरह से लिक्विड बना ले। इस खोया को हम मिल्क में, दूध में ऐड करते हैं। ये हमारा दूध भी तैयार हो गया, इसको भी हम आधे घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे। ये हमारा चाइना ग्रास इस तरह से हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया। अब हम इसको ग्रेटेड कर लेते हैं। इसी तरह से ग्रेट करना चाहिए। ठीक है, हम इस तरह से ग्रेटेड कर ले। ऑलरेडी पका हुआ इस दूध में ये भी चाइना ग्रास भी ऐड करते हैं। अब हम इसमें बादाम का ग्रेटेड क्या हुआ वो भी ऐड कर लेते हैं। इसको हम 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। 2 घंटे हो गया, अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए हमारा जिगर ठंडा तैयार हो गया है। आप भी जरूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह हम एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।